नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बीजेपी का जातीय प्लान आखिर क्या है? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? योगी सरकार क्या जल्द ही मंत्रियों के चेहरे बदल सकती है? दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सियासी और जातीय समीकरण साधने की कवायद में हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी। वहीं अब मिल रही जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय यूपी दौरे के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। जानकारी यह भी मिल रही है कि योगी सरकार के कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए नाम भी तय कर लिए गए हैं। बता दें कि संभावित मंत्री की सूची में हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी के जिन नेताओं का नाम इस सूची में शामिल हो सकता है, उनके नाम भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो 7 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। योगी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है। तो सबसे पहला नाम जितिन प्रसाद का है। इसके अलावा पलटू राम का भी नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। कृष्णा पासी भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। तेजपाल नागर, छत्रपाल गंगवार, तो ये वो नाम थे जो हमने आपको बताए हैं। दरअसल इन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ये जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार में इनको शामिल किया जा सकता है और योगी सरकार चुनाव से पहले ये पूरा उलटफेर करने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई हैं और बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की तो वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में नामों पर चर्चा हो रही है, आने वाले समय में जल्द ही इन नामों पर मुहर भी लगती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं यूपी कैबिनेट में 2 और नाम भी संभावित हैं जिन्हें बीजेपी आलाकमान तय करेगा। माना यह जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व इन दोनों मंत्री पद सहयोगी दलों को दे सकता है। बता दें पार्टी ने भले ही 2022 के चुनावों को देखते हुए नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया हो, पर पुराने किसी भी मंत्री की कैबिनेट से छुट्टी नहीं की जाएगी। संभावित मंत्रियों में जिन नेताओं के नाम है उन्हें देखते हुए साफ जाहिर है कि बीजेपी ने अपना सियासी समीकरण दुरुस्त करने का दाव चला है। ब्राह्मण समुदाय से जितिन प्रसाद को शामिल किया जा रहा है, जिनके जरिए ब्राह्मणों के साथ साथ रुहेलखंड को भी साधने की पूरी रणनीति तैयार है। दलित वोटरों को साधने के लिए पलटू राम और कृष्णा पासवान को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं कृष्णा पासी फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से विधायक है। अवध के तमाम जिलों में पासी वोटर की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी ने कृष्णा पासी को मंत्री बनाकर सपा के इंद्रजीत सरोज के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। बलराम बलरामपुर सदर से विधायक है और पासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी इस तरह पासी समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व देकर बड़ा संदेश देना चाहती है। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो इस समुदाय से योगी की कैबिनेट में तेजपाल नागर और छत्रपाल गंगवार को मंत्री के तौर पर शामिल किया जा सकता है। तेजपाल नागर गुर्जर समुदाय से आते हैं, जबकि छत्रपाल गंगवार कुर्मी समाज से आते हैं। तो यूपी की सियासत में ओबीसी में ये दोनों ही वोट काफी है। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 53 मंत्री हैं। इनमें 23 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 21 राज्य मंत्री हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसलिए 7 और मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है। यूपी में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। योगी सरकार और बीजेपी संगठन दोनों ही जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की नीति रणनीति पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वानगी इन खबरों में लगातार देखी जा सकती है। नई ड्रोन नीति से देश को मजबूती आगे चलकर मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नई ड्रोन नीति को बेहद अहम बताया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये इस सेक्टर के लिए लैंडमार्क मूवमेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विश्वास के आधार पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार ने इस संबंध में इसकी मंजूरी और इसकी जरूरत को लेकर लगी अड़चनों को काफी हद तक कम कर दिया। उनके मुताबिक देश की नई ड्रोन नीति से स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। इतना ही नहीं, ये इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को भी तलाशने में सफल साबित होगी। इसके साथ ही नई रिसर्च और व्यापार में भी इससे मदद मिल सकती है। ये नीति रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से काम करेगी और मेक इन इंडिया को ड्रोन हब बनाना शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने अपनी नई ड्रोन नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ये परिवर्तन लोगों को इसको लेकर होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए किए गए हैं। सरकार ने नई नीति में कई तरह की अड़चनों को दूर भी कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि नीति न सिर्फ तकनीक के क्षेत्र में बल्कि कृषि खदान जैसे क्षेत्र में भी काफी मददगार साबित हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और पीएम मोदी ने ड्रोन नीति के कई तरीके के फायदे बताए हैं, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो, चाहे वो तमाम नीतियों से जुड़ा हो। कई तरह की परेशानियां जो लगातार लोगों को झेलनी पड़ती है उसके तहत भी इसे जोड़ा जा रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, नई रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, कई तरह की ऐसी संभावनाएं हैं नए क्षेत्र में, उसको भी नए स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिल सकता है, एक बड़ा हब जो है वो बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि सरकार ने संबंध में इसकी मंजूरी और इसकी जरूरत को लेकर अड़चने जो लगातार लगाई जा रही थी उनको कम कर दिया है। उनके मुताबिक देश की नई ड्रोन नीति से स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को भी तलाशने में काफी सफल साबित हो सकती है। साथ ही नई रिसर्च और व्यापार में भी इससे मदद मिलेगी। यह नीति रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से काम करेगी, मेक इन इंडिया को ड्रोन हब बना सकती है। तो नई ड्रोन नीति में कुछ परिवर्तन किए गए, ये परिवर्तन लोगों को इसको होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए किए गए हैं। सरकार ने नई नीति में कई तरह की अड़चनों को दूर किया है, तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तकनीक ही नहीं बल्कि कृषि खदान जैसे क्षेत्र में भी काफी ये मददगार साबित हो सकती है और नई ड्रोन नीति के फायदे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाते हुए आज ट्वीट में नजर आए थे। और यूपी में बुलंदशहर के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल बुलंदशहर में इसलिए कह रही हूं क्योंकि बुलंदशहर से तमाम पिछले दिनों से खबरें सामने आ रही है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन लूटपाट जैसी घटनाएं जो हैं वो बुलंदशहर से सामने आ रही है। ताजा मामला जिले के नरौरा थाना क्षेत्र की घनी आबादी वाली एक कॉलोनी का है जहां लुटेरों ने सुबह लगभग 6:30 बजे दिन निकलते ही लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। इस घटना को अंजाम देने वालों में 3 युवक और एक महिला भी शामिल है। आपको ये बता दें कि लूट स्थानीय निवासी रविंद्र के यहाँ हुई जो की दिव्यांग है। लुटेरों ने रविंद्र, उनकी माताजी और काम करने वाली बाई के हाथ पैर बांध दिए, उन्हें बंधक बनाकर चाकू और तमंचे के बल पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक लुटेरों में शामिल महिला ने पेट दर्द का बहाना कर घर का दरवाजा खुलवाया, जिसके बाद सभी बदमाश अचानक घर में दाखिल हो गए और लगभग 30 से 45 मिनट तक सभी को बंधक बनाकर लूट का तांडव मचाते रहे। पीड़ित परिवार के मुताबिक लुटेरे घर में रखी 50,000 रुपए की नकदी और लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात लूट कर मौके से फरार हो गए हैं। वही लुटेरे जाते वक्त पीड़ित परिवार को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताल लगाकर फरार हो गए। हालांकि पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों के चेहरे कैद हो गए हैं। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है और छानबीन की जा रही है। तो शहर में लगातार बदमाशों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी बानगीन तस्वीरों में नजर आती है किस तरह से मुंह पर कपड़ा बांधे जो बदमाश हैं वो आते हैं और फिर परिवार को बंधक बनाते हैं चाकू और तमंचे के बल पर, इस पूरी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। और बुलंदशहर से मेरे सहयोगी लोकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, बुलंदशहर में लगातार बदमाशों का जो तांडव है वो हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से लूट की बड़ी वारदात बुलंदशहर में हो रही है, क्या पुलिस सो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो भी घटना सामने आई है ये बहुत शर्मनाक घटना है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ये दावे करता है कि उनका जो राज है वो स्थापित है, बिल्कुल जिले में कोई भी किसी तरह की अपराध, कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। ये जो घटना है बहुत शर्मनाक है और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है वो एक बिल्कुल जो शार्प माइंड एक अपराधी होते हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ये एक महिला और उसके अन्य साथियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको कि जो महिला है इसने पेट दर्द के
बहाना लगाकर जो घर है उसके गेट को खुलवाया गया और इसने बताया कि इसके पेट में दर्द है और इसी तरह से ये लोग घर में घुसे और फिर उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से 50,000 का जो कैश कहा जा सकता है कि पूरा गैंग जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ घर में दाखिल होता है, उसके बाद जो परिवार है उनको बंधक बनाता है, चाकू बंदूक की नोक पर पूरी घटना को अंजाम देता है, आसानी से फरार हो जाता है और रात में नहीं दिन के उजाले में ये पूरा कारनामा किया गया। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में चेहरे तो कैद हो गए हैं आरोपियों के। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो पुलिस का जो बयान है वो अब आरोपियों को ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। पूरी तरह से पुलिस इस मामले में जो है अपना पक्ष बिल्कुल निष्पक्ष रखना चाह रही है कि बिल्कुल जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको जो भी उन्होंने जो घटना की है उस घटना के अनुसार उनको जो भी उनका अपराध है वो अपराध के तहत उनको बिल्कुल सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल लोकेश, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस तो लगातार वाहवाही लूट रही है, अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बुलंदशहर जिले की बात करें तो अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं, उनके दिमाग से बिल्कुल ये जो डर है पुलिस का बिल्कुल निकल चुका है। आए दिन नई जो ये घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं, चाहे वो लूट की हो, मर्डर की हो, किसी भी तरह का कोई भी बड़ा अपराध हो वो बुलंदशहर में आए दिन घटता रहता है और पुलिस अपनी तरफ से जो पक्ष है वो बिल्कुल जो है पल्ला अपना झाड़ देती है कि हम जो कार्रवाई है वो कार्रवाई के नाम पर इसको बिल्कुल दिखाते हैं कि हमने ये घटना का खुलासा किया, लेकिन जो अपराधी है वो बिल्कुल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर में एक बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया गया, आसानी से जो चोर हैं वो घर में दाखिल होते हैं, परिवार को बंधक बनाते हैं और बंदूक और चाकू की नोक पर पूरी घटना को अंजाम देकर मौके से आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस दावा तो कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ये दावे हम कई दिनों से लगातार सुन रहे हैं क्योंकि बुलंदशहर में पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आसानी से जो बदमाश हैं वो घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाया हुआ है और फिर आसानी से निकल भी जाते हैं। वही अगली खबर यूपी के आगरा से है, जहां आज अधिवक्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आगरा की एमजी रोड को भी जाम कर दिया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के बाद सड़क पर उतरकर जमकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की है। बता दें कि अधिवक्ताओं ने यह प्रदर्शन उन पर हो रहे उत्पीड़न और उन पर हो रहे फर्जी मुकदमों से आक्रोशित होकर किया है। ये जाम दोपहर करीब शुरू हो गया था और 1:30 बजे तक रहा, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर ये जाम खुलवाया। वहीं इस दौरान जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके चलते आवागमन भी पूरी तरह से बाधित रहा और लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। आगरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अधिवक्ताओं ने यहां पर पुतला दहन किया है। जो धरना प्रदर्शन है उनका वो लगातार जारी रहा है। उनका कहना है कि उनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इसी की वजह से वो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि 2 घंटे तक ये प्रदर्शन चला है, जिसकी वजह से पूरा जो एमजी रोड था वो जाम रहा, लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची है, समझा बुझा कर उन्हें वहां से हटाया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे और हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आगे भी इस तरह से वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आक्रोश लगातार देखने के लिए मिल रहा है, धरना प्रदर्शन अधिवक्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, इन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इनको जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इनका कहना है कि हम लगातार ज्ञापन भी दे चुके हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं आगरा के एमजी रोड की, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई है और पूरे रोड को 2 घंटे तक जाम किया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार तिवारी मेरे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, आखिरकार अधिवक्ताओं का क्या कहना है, क्या वजह है जो इतने बड़े पैमाने पर ये इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया, पुतला फूंका? देखिए, अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, इसी को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश था। तमाम अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई और उसी को लेकर आज अधिवक्ता न्यायालय परिसर के बाहर निकले और आगरा की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर पहले सरकार का पुतला फूंका और पुतला फूंकने के बाद उन्होंने एमजी रोड को जाम कर दिया। काफी समय तक एमजी रोड जाम रहा, आधे घंटे से अधिक। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन अधिवक्ता अड़े हुए थे कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आए और वो हमारी बात को सुने और हमें आश्वासन दे कि जिस तरह से हो रहा है उनको पूरी तरह से सुरक्षा दिलाई जाए, तब कहीं जाकर जाम खोलेंगे। लेकिन आधा घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने आश्वासन दिया, उसके बाद अधिवक्ताओं ने जाम को खोला। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई लेकिन जो लोग जाम में फंसे रहे उनको काफी परेशानियां हुई और ये भी कह सकते हैं कि जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही लेकिन जो कानून के रखवाले हैं उन्हें जरा सा भी इस बात का वो नहीं था कि हमें जाम नहीं लगाना चाहिए लेकिन कानून के रखवाले हैं अधिवक्ता, उन्होंने ही जाम लगा दिया। जी बिल्कुल राजकुमार, ये अधिवक्ता जो है इनका क्या कहना है, आगे क्या ये प्रदर्शन इनका जारी रहेगा या सिर्फ आज के लिए ये प्रदर्शन था? देखिए, अधिवक्ताओं का साफ तौर से ये कहना है कि अगर अगर हमें आश्वासन दिया है उस पर पुलिस खराब नहीं उतरती है, उन पर हमले होते रहेंगे और जो मुकदमा लिखे गए अधिवक्ताओं पर पिछले दिनों में वो वापस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से अधिवक्ता फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए पुलिस स्वयं जिम्मेदार होगी। और अधिवक्ताओं ने आज जाम खोल दिया लेकिन आगे चल के उनका ये आंदोलन और भी कड़ा अख्तियार करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजकुमार। तो आक्रोशित अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि हम पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, हमारा उत्पीड़न हो रहा है लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, पुलिस लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और इसी के बाद इन्होंने प्रदर्शन किया। काफी समय तक जो पूरा रोड है वो जाम रहा, तो ऐसे में काफी दिक्कतें लोगों को आने जाने में हो रही थी लेकिन इसका असर जो है इन अधिवक्ताओं पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो काफी समझाने बुझाने के बाद पूरे रोड को खुलवाया गया है और अधिवक्ताओं को समझाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बुलियन कारोबारी से हुई लूट का खुलासा कर 44 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर 4 मुख्य लुटेरों सहित 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट के मुख्य आरोपी अरविंद पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दें कि मथुरा में 10 दिन पहले अज्ञात बदमाशों में शहर के बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 बदमाशों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा गुरुवार को पुलिस लाइन में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने किया है। मथुरा का यह पूरा मामला, जहां पर कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा अब कर लिया गया है, साथ ही साथ जो लुटेरे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मथुरा का एक पूरा मामला है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही बुलियन कारोबारी से एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था, करीब 1 करोड़ से ज्यादा की ये लूट की गई थी और इसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन जो है लुटेरों की तलाश में था और आखिरकार लुटेरे जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। जो मुख्य आरोपी था, मुख्य लुटेरा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 44 लाख से ज्यादा तो बरामद कर लिए गए हैं, बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि बाकी रुपए जो है जो लूट के वो कहाँ है, फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, इसका खुलासा आज किया गया है। दरअसल मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा में कई दिनों से लूट जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बुलियन कारोबारी से भी ये लूट की गई। इससे पहले भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद अब यह एक्शन लिया गया है, प्रेस वार्ता कर ये पूरी जानकारी इस पूरे मामले में खुलासा किया गया है। 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा की लूट का यहां पर खुलासा किया गया है, 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा का ये पूरा मामला, जहां पर इस लूट में 4 बदमाश शामिल थे, वहीं उनके साथी जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
दरअसल मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बुलियन कारोबारी से हुई लूट का खुलासा कर यहां पर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जानलेवा बनी कच्ची शराब ने श्रावस्ती जिले में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया, जहां सोनवा थाना क्षेत्र के कंगुदू गांव में कच्ची शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य युवक की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि कंगुदू गांव निवासी रंजीत राम गांव के ही निवासी राजेश के साथ मलीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव गया हुआ था, जहां उनके कुछ साथी पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान सभी ने कच्ची शराब का सेवन किया था। बताया जा रहा है कि रंजीत राम और राजेश ने ज्यादा मात्रा में कच्ची शराब का सेवन किया, जिससे कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद दोनों को CHC मलीपुर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भीनागा रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रंजीत राम की मौत हो गई, जबकि राजेश की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। तो प्रदेश में लगातार कई जिलों में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो कल ही न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी अलग अलग जिलों की कि किस तरह से यहां पर 2019, 2020, 2021 में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला ये सामने आया, जहां पर एक और युवक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि कच्ची शराब पीने से ही व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं जो दूसरा युवक है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो दो व्यक्तियों ने मिलकर कच्ची शराब पी थी, जिनमें से एक की मौत हो गई है, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो पूरा मामला श्रावस्ती का है, जहां पर श्रावस्ती जिले में भी जहरीली शराब ने या कच्ची शराब कहें, इसने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सोनवा थाना क्षेत्र के कंधू गांव में कच्ची शराब पीने से जहां एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आप बता दें कि कंधू गांव निवासी रंजीत राम गांव के ही निवासी राजेश के साथ मलहीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव गया हुआ था, जहां उनके कुछ साथी पहले से ही मौजूद थे। इसी दौरान सभी ने कच्ची शराब का सेवन किया था। बताया जा रहा है कि रंजीत राम और राजेश ने ज्यादा मात्रा में कच्ची शराब का सेवन कर लिया था, जिससे कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद दोनों को CHC मलीपुर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भिंगा रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान रंजीत राम की मौत हो गई, जबकि राजेश की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। श्रावस्ती का ही पूरा मामला है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर जहरीली शराब या कच्ची शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। वही बहराइच में समाजवादी पार्टी द्वारा सत्ता परिवर्तन रैली निकाली गई है, तो सपा की रणनीति क्या है, इसको लेकर लगातार हम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्ता परिवर्तन रैली का नेतृत्व पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता के ओझा के नेतृत्व में किया गया। ये सत्ता परिवर्तन रैली टिकोरा मोड़ से लेकर महसी राजी चौराहा चौक तक गई। इस दौरान सैकड़ों बाइक पर हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सवार होकर इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2022 में दोबारा सत्ता में लाने के लिए नारे भी लगवाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक और सपा के नेता के ओझा ने कहा कि सत्ता परिवर्तन रैली निकाले जाने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाना है। उनका कहना है कि आज किसान, नौजवान, बेरोजगार सब इस पार्टी से परेशान है। बहराइच की तस्वीरें आप देख रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक अनोखी रैली निकाली।
तो बहराइच की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सपा का जो सत्ता परिवर्तन रैली है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरह से जो सपा कार्यकर्ता हैं वो बाइक पर रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि नौजवान किसान पूरी तरह से बेरोजगार हैं, ऐसे में इस पार्टी से सभी परेशान हैं और हम लगातार रैली इसी सिलसिले में निकाल रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।